जनपद ये विद्यालय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन OFIC अरमापुर कानपुर के द्वारा कराया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य CD राम द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में कानपुर नगर के 15 विद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 14 वर्षीय बालक में अनमोल शाश्वत, अर्थ यादव, निखिल आरव, संजू गौड़, यश सिंह, 17 वर्ष में संगम, पीयूष वासु, अश्वनी सागर, अभय मिश्रा, 19 वर्षीय अभिषेक अरमान तथा हिमांशु यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 14 वर्षीय बालिका वर्ग में जयश्री, पूर्णिमा, अंजना, श्रेया निगम, अर्पिता, 17 वर्षीय में आचल, शिवानी, सोनम, मोनिका खन्ना, मनीषा भरद्वाज एवं 19 वर्ष में स्वप्निल, रिचा, सारिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन बच्चों का चयन मंडलीय प्रतियोगिता हेतु हुआ, जो 5 तारीख को फरुखाबाद में आयोजित होगी। इस अवसर पर खेल आयोजक सचिव अरविंद कुमार सिंह, दिलशाद सिद्दकी, राजेश भरद्वाज, शिव सेवक सूर्य पांडे, दुर्गेश तिवारी आदि उपस्थित रहे। ये प्रतियोगिता जिला विद्यालय की तरफ से हो रही है। माध्यमिक जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये DIOS की तरफ से प्रतियोगिता है, जिला प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम आएंगे वह मंडल के लिए फरुखाबाद शायद मेरे ख्याल से 5 तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हमारी मंडल की टीम जो है यह बरेली में पार्टिसिपेट करेगी स्टेट राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में, जो कि 16, 17, 18 बरेली में हो रहा है। मंडल में बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो बरेली में पार्टिसिपेट करेंगे राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता। 16 साल की जो लड़की नेशनल रेफरी हुई थी वह लड़की जूडो की नहीं थी। हमारे जूडो में तो 16 साल का बच्चा नहीं कर सकता राष्ट्रीय रेफरी। इसकी जो सूचना है DIOS की तरफ से हमें मिली कि आपको जो जिला स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिता जूडो की करानी है, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया उसे कराने के लिए और संबंधित विद्यालयों को सूचित भी किया, फ़ोन किया जहाँ तक हमारे स्तर से हो सकता। और इसमें लगभग हम देख रहे हैं 15 विद्यालय आए हुए हैं, उसके नियर अबाउट 60 बच्चे आज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत से स्कूलों ने शायद बच्चे नहीं भेजे, वरना ये और विस्तृत हो सकती थी। बच्चों को तो मैं सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहूँगा, और ये जो आयोजन हो रहा है ये आए दिन जो हमारे जीवन की दैनिक क्रियाएँ हैं उसके एक हिस्सा है, और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ।